हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ और अधिकारी संगठन की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डीसी शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष तिलक राज शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में 22 और 23 सितंबर को हमीरपुर में आयोजित होने वाले संगठन के प्रदेश अधिवेशन को लेकर चर्चा की गई। डीसी शर्मा ने कहा कि इस अधिवेशन में सांसद अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित अन्य संगठनों के विशेष पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। अधिवेशन में प्रदेश भर से करीबन 300 प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रदेश स्तरीय अधिवेशन में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों और सेवाओं से संबंधित सुझावों पर चर्चा होगी। अधिवेशन के माध्यम से बैंक में कार्यरत सफाई कर्मियों के नियमितीकरण और उनके सेवा विस्तार पर भी चर्चा होगी। अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके आगामी रणनीति बनाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ और अधिकारी संघ का संयुक्त प्रांतीय अधिवेशन 22 और 23 सितंबर 2018 को यहां हमीरपुर में आयोजित किए जाने का निर्णय संगठन ने लिया है। इस अधिवेशन की तैयारियों के लिए आज की ये बैठक यहां जिला स्तर की बैठक यहां बुलाई गई है और इस अधिवेशन के जो मुख्य अतिथि रहेंगे वो यहाँ के हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद अनुराग सिंह ठाकुर जी व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी इस दो दिवसीय अधिवेशन में शामिल रहेंगे। भारतीय मजदूर संघ व ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी इस अधिवेशन में अपना मार्गदर्शन देंगे। इस अधिवेशन में जहां एक और कर्मचारियों की सर्विस कंडीशंस उनकी मांगों के बारे में भी चर्चा करके निर्णय लिए जाएंगे, वहीं पर दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक जो प्रदेश के सभी 12 जिलों में कार्यरत है उसको और स्ट्रेंथन और जनोपयोगी बनाने के लिए भी संगठन और सभी उसमें उपस्थित सदस्य चर्चा करके अंतिम निर्णय और अग्नि आगामी कार्य योजना तय करेंगे। इस अधिवेशन में पूरे प्रदेश से 300 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। कर्मचारियों की सर्विस कंडीशन के बारे में प्रमुख रूप से इस बैंक में कुछ कथित तौर पर अंशकालिक कर्मचारी जो पूरा दिन काम करते हैं लेकिन उनको अंशकालिक कहा गया है, उनको बहुत ही कम वेजेस 2,500 से 3,000 दिए जाते हैं। संगठन की ये भी मांग है कि इन लोगों को यहाँ पर बैंक में 200 के लगभग रिक्तियाँ चल रही हैं, उन 200 खाली पदों के ऊपर या जो लोग बहुत ही कम मिनिमम वेजेस एक्ट के प्रावधानों का भी खुला उल्लंघन करते हुए जो बैंक इनको ना ही रिक्त पदों पर एब्जॉर्व कर रहा है, समायोजित कर रहा है और ना ही उनको जो समुचित वेतन वो भी नहीं दे रहे। भारत सरकार की उद्घोषणा के अनुसार 18,000 रुपये मासिक मिनिमम वेजेस घोषित हो चुके हैं लेकिन 2,500-3,000 रुपया मासिक वेतन देना इन कर्मचारियों के साथ बहुत ही सरासर अन्याय है। तो दूसरी ओर और भी दूसरे पदों के ऊपर भी अनेक पद खाली चल रहे, उच्च पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के संचालक बैंक पंजाब नेशनल बैंक से उच्च पदों पर कुछ लोगों को डेपुटेशन पर यहाँ लाया जा रहा है और उन डेपुटेशन पर लाए गए लोगों को उच्च वेतन दिया जा रहा है, जबकि इस बैंक में 30 से भी अधिक वर्षों से काम करने वाले बहुत ही अनुभवी और योग्य लोग हैं उनको उन पदों पर पद स्थापित नहीं किया जा रहा है और पदोन्नति में भी उनके साथ सौतेला और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है।